ये ठलिया इंटरचेंज सामने आपको नज़र आ रहा है, ये रिंग रोड, रिंग रोड के साथ सामने वो मोटरवे जिसके ऊपर गाड़ी जा रही है, और इसके साथ फैसल टाउन फेस टू का कौन सा सेक्टर है, ये रहा फैसल टाउन फेस टू की ज़मीन, ये सेक्टर कौन सा है वीडियो पूरी देखे आपको गाइड करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आप लोगों का भाई आफाक अली यूसुफ़ज़ई MAB मार्केटिंग के साथ एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ फैसल टाउन फेस टू में, और इससे मैं खड़ा हूँ बेसिकली रिंग रोड के ऊपर। रिंग रोड के ऊपर आने का मकसद और यहाँ पे वीडियो बनाने का मकसद है कि रिंग रोड से फैसल टाउन फेस टू जो है वो सबसे पहले किस सेक्टर को टच कर रहा है और उसकी लोकेशन एग्जैक्ट क्या है। मेरी लेफ्ट साइड पे और बैक साइड पे आप देखें तो यहाँ से मुझे ठलिया इंटरचेंज क्लियर नज़र आ रहा है, जहाँ पे एक खंबे शंबे लगे हुए हैं। शायद आपको वीडियो में ज़्यादा क्लियर ना हो क्योंकि ज़्यादा वो जूम होते हैं फिर उसके वो पिक्सल जो है वो टूट जाते हैं, बट मेरे सामने ये ठलिया इंटरचेंज है। ये ठलिया इंटरचेंज से बिल्कुल जो शुरू का बिल्कुल रिंग रोड है वो वाला एरिया है, और इस तरफ में अगर आपको दिखाऊँ तो मेरी ये राइट साइड पर ये फैसल टाउन फेस टू के जो है ये चेक पोस्ट बने हुए हैं जो क्लियर आपको कैमरे में नज़र आ रहे होंगे, ये फैसल टाउन फेस टू के चेक पोस्ट है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है जहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट है रिंग रोड के ऊपर, तो ये बेसिकली एक नाला यहाँ से जो है वो ठलिया गाँव की तरफ से निकल के यहाँ से फेस टू से भी निकल के आगे जाते हैं आगे की तरफ। अब अगर मैप के ऊपर आप देखें तो इस टाइम ये जो नाला है, नाला भी आपको नज़र आ रहा है मैप के ऊपर, और नाले के साथ ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो सेक्टर है वो सेक्टर यू है, ठीक है। तो जब आप रिंग रोड के स्टार्ट से या फिर ठली इंटरचेंज से आते हैं और फैसल टाउन में एंटर होंगे तो सबसे पहला जो सेक्टर आपको टच करेगा वो सेक्टर यू टच करेगा, अब तक के नक्शे के मुताबिक जो फाइनल मैप है अभी फैसल टाउन फेस टू का। इसके बाद अगर इसमें कोई अमेंडमेंट होती है, कोई चेंजेस आते हैं, वो बात की बात है। मैं आपको जो गाइड करूंगा, जो इन्फॉर्मेशन दूंगा, वो अभी के करंट मैप के मुताबिक आपको गाइड करूंगा। ये सेक्टर यू है, सेक्टर यू के बिल्कुल बैक साइड पर आप देखें, नक्शे के ऊपर भी देखें और वीडियो में भी देखें तो ये इसके पीछे जो एरिया है पूरा वो सेक्टर टी है, ठीक है। अब इसके साथ ये वाला जो एरिया आपको नज़र आ रहा है थोड़ा सा ये ग्रीनरी के साथ पीछे करके जो इसकी कटिंग शटिंग की हुई है, यहाँ पे बनेगा CBD का जो एक्सेस है, जो मेन रोड है वो बनेगा। कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट बिजनेस का जो एक्सेस होगा ठलिया रिंग रोड से डायरेक्ट, वो ठलिया से लिंक नहीं है लेकिन वो रिंग रोड से लिंक है। जाहिर सी बात है रिंग रोड के साथ लिंक हो गया, मीन्स के वो ठलिया के साथ लिंक हो गया। तो सेक्टर पी सेक्टर ओ ये CBD के उस तरफ है, सेक्टर यू जो सबसे पहला सेक्टर आएगा फैसल टाउन फेस टू का रिंग रोड से, और सेक्टर टी ये CBD के इस तरफ बनेंगे। ये ठलिया इंटरचेंज है, वो गाड़ी भी जा रही है और साथ में आपको ठलिया का बोर्ड भी नज़र आ रहा होगा। ये ठलिया इंटरचेंज है और ठलिया इंटरचेंज के साथ ही नीचे पूरा ये रिंग रोड आया हुआ है, ठीक है। इस रिंग रोड के साथ अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, ये वाला जो कंस्ट्रक्शन जारी है ये वो नाला है जो मैंने आपको पहले भी मैप के ऊपर दिखाया, और इस नाले के साथ साथ ये वाला एरिया पूरा जहाँ पे चेक पोस्ट बने हुए हैं, ये फैसल टाउन फेस टू का सेक्टर यू है। सेक्टर यू के बाद अगर पीछे आपको एक ग्राउंड टाइप लैंड नज़र आ रही है पूरी की पूरी, ये सेक्टर टी है, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पर ये वाला एरिया जो है, ये जो कटी कटी आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे इंशाल्लाह इन फ्यूचर CBD बनेगा, CBD का डायरेक्ट एक्सेस बनेगा रिंग रोड की तरफ। और इस कटी जो एरिया है इसके बिल्कुल पीछे आपका सेक्टर पी के बाद फिर वो कटी पहाड़ी जहाँ पे वो खंबे लगे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, शायद वीडियो में क्लियर ना हो, तो वो सेक्टर वो बनेगा, वहाँ भी आपको विजिट करवाऊँगा, और इससे आगे के जो सेक्टर है वो भी आपको विजिट करवाऊँगा, ठीक है। अब मैं आपको उस तरफ भी लेके जाऊँगा, वहाँ पे सेक्टर वी के बाद सेक्टर डब्ल्यू के बाद सेक्टर एक्स, फिर सेक्टर एक्स के बिल्कुल बैक साइड पे मतलब टच वो ओवरसीज एंक्लेव है। काफ़ी लोगों के ये भी सोचे कि ओवरसीज एंक्लेव जो है वो रिंग रोड के ऊपर टच है, वो रिंग रोड के ऊपर टच नहीं है, बीच में सेक्टर्स हैं, सेक्टर वी है, सेक्टर डब्ल्यू है, सेक्टर एक्स है, उसके साथ फिर अटैच जो है वो ओवरसीज एंक्लेव है। लेकिन ओवरसीज एंक्लेव अपनी एक जो है एक बड़ी दुनिया उसको कह सकते हैं कि उसके अंदर फिर 8-9 ब्लॉक्स बने हुए हैं, वो अपना एक ब्लॉक कह लेगा।